अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको पता है कि आप कैनवा को यूज़ करके किसी भी लिंक का QR कोड ईजिली जनरेट कर सकती हैं, वो भी इसके फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए। QR कोड एक इन डिमांड स्किल है। अगर आप ऑनलाइन फिल्में इसकी डिमांड देखें तो वो बहुत हाई है, बट इसकी सर्विसेज आपको कम देखने को मिलेंगी। इसका बेनिफिट तो फर्स्ट आपको ये होने वाला है कि अगर आप इस स्किल को सीख लेती हैं तो आप ऑनलाइन फिल्में इससे अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इस स्किल को सेल आउट कर सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी सबीन यासीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैनवा का कंप्लीट कोर्स हमारा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग डिज़ाइंस और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। सो मेक श्योर करें कि कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम कैनवा के फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए किसी भी लिंक का QR कोड ईजिली जनरेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑनलाइन लर्निंग एंड अर्निंग के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। QR कोड को जनरेट करने के लिए हम क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम एक स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं कस्टमाइज साइज पर क्लिक कर रही हूँ और मैंने विड्थ और हाइट इसकी 1000 ले ली है। क्रिएटर न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने एक स्क्वायर शेप क्रिएट कर ली है। अब हम अपने QR कोड को जनरेट करेंगे। QR कोड को जनरेट करने के लिए आपके पास एक लिंक होना चाहिए। इसके लिए मैंने अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया है और मैं यहां से अपने YouTube चैनल का लिंक कॉपी कर लेती हूं। कंट्रोल सी, बैक हम कैनवा पर जाते हैं। कैनवा साइड पैनल पर आपके पास लास्ट पर ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करती हैं। यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हम QR कोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी, जनरेट अ कोड पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें, फ्यू सेकंड्स में हमने अपने QR कोड को इजीली जनरेट कर लिया है कैनवा को यूज़ करते हुए, और हमें इसके लिए किसी भी पेड वर्जन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कस्टमाइज पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ आपको बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉरग्राउंड कलर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह से इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। मार्जिन आप कितना रखना चाह रहे हैं ये भी आप इसमें से देख सकते हैं। अपडेट कोड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जो हमने कलर सेलेक्ट किया था, जो फॉरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया था और जो हमने मार्जिन अप्लाई किया था वो इस पर अप्लाई हो गया है। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें से कलर मार्जिन इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पर QR कोड को जनरेट करना चाह रही हूँ तो मैं जनरेट कोड पर क्लिक करती हूँ। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए QR कोड जनरेट कर लिया। मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो अगर आप इस तरह से किसी डिज़ाइन पर इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकती हैं और इसको सेव भी आप कर सकती हैं। तो ये हमने सिंपल वे में देखा कि किस तरह से हम कैनवा के फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए इजीली अपने QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, यूट्यूब के लिए क्रिएट करना चाह रही हैं तो आप इजीली कर सकती हैं। मैं शेयर पर क्लिक करती हूँ और इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ये हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम अपने इस स्किल की सर्विस कहाँ दे सकते हैं। इसके लिए हम फाइवर पे आ जाते हैं। पर मैंने QR कोड को सर्च किया तो मेरे पास अवेलेबल सर्विसेज इसकी 3457 है, जो कि बहुत लो कंपटीशन है। अगर आप अपनी गिग क्रिएट करते हैं QR कोड के रिलेटेड तो आपको इजीली यहां पर ऑर्डर भी मिलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज़रा कम होते हैं। अगर आप लो कंपटीशन वाली स्किल्स को सिलेक्ट करती हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनके पास ऑर्डर कितने हैं।
आप देख सकती हैं कि वन पर्सन के पास 14 ऑर्डर्स हैं, सेकंड पर्सन ने 468 ऑर्डर किए हुए हैं और वो अपना QR कोड जो कि इतना सिंपल वे में आप क्रिएट कर सकती हैं 3000 में उसने सेल आउट किया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकती हैं कि 863 ऑर्डर्स उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इनके पास ऑर्डर हैं भी या इन्होंने पहले से किए हुए हैं। इसके लिए हमने ये वाली गिग को ओपन कर लिया तो आप देख सकती हैं कि इन्होंने 596 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 2 ऑर्डर्स इनके पास यूनिक भी हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको अपनी सर्विसेज कम पैसों में सेल आउट करनी है ताकि आपको ऑर्डर ज़्यादा मिले। इस तरह से अगर आप फाइवर पर अपनी गिग क्रिएट करते हैं तो आपको ईजिली ऑर्डर मिल जाएगा। ये थी जी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैनवा के फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए इजीली QR कोड को जनरेट कर लिया। इस तरह से आप किसी भी लिंक का QR कोड इजीली जनरेट कर सकती हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।